दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने यूपीआई पेमेंट के लिए किसी लाइफ टाइम फ्री रुपे क्रेडिट कार्ड की तलाश में हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोग को इंडसइंड बैंक के रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के सभी फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड चार्जेस के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद वीडियो के एंड में हम लोग आप लोग को यह भी बताएंगे क्या मार्केट में यूपीआई पेमेंट के लिए इससे बेहतर भी क्रेडिट कार्ड आप लोग को मिल सकता है या फिर नहीं। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे किन किन लोगों को यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो आप लोग प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप लोग क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि यह क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री आता है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी ज्वाइनिंग और एनुअल फी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही फ्री में आप लोग को यह क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। साथ ही यह क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर आता है तो इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को यूपीआई का भी बेनिफिट मिल जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है उसको स्पेशली डिजाइन यूपीआई के लिए ही किया गया है, तो इसमें जो मेजर बेनिफिट भी आप लोग को मिलेगा वो यूपीआई ट्रांजेक्शन पे ही मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को पर 100 स्पेंड पे 2 रिवार्ड पॉइंट, इस साथ ही नॉन यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को पर 100 स्पेंड पे 1 रिवार्ड पॉइंट। इसके साथ ही इनके कुछ पार्टनर मर्चेंट हैं, वहाँ पे अगर आप लोग स्पेंडिंग करते हो तो चाहे वो नॉन यूपीआई ट्रांजेक्शन हो या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन हो, दोनों ही ट्रांजेक्शन पे आप लोग को पर 100 स्पेंड पे 0.75 पैसे का बेनिफिट दिया जाएगा। इसके साथ ही इनके जो रिवार्ड पॉइंट है ना, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप लोग कभी भी रिडीम कर सकते हो, इनका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं रखा गया है। इसके साथ ही इनके रिवॉर्ड पॉइंट को आप लोग इंटर माइल्स, एयर माइल्स या फिर कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप लोग कैश में कन्वर्ट करते हो तो इसके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 30 पैसा। हालांकि अगर आप लोग इसके रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर कैश में रिडीम करने जा रहे हो तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी गई है, जैसे कि एक महीने के अंदर मैक्सिमम आप लोग 2500 रिवॉर्ड पॉइंट ही रिडीम कर सकते हो। इसके साथ ही एक बार में अगर आप लोग रिडीम करने जा रहे हो कैश में तो एक बार में मिनिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, तभी आप लोग कैश में रिडीम कर सकते हो। इसके साथ ही हर क्रेडिट कार्ड की तरह इस क्रेडिट कार्ड में भी कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिवॉर्ड कैटेगरी से बाहर रखा गया है, जैसे कि अगर आप लोग फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करते हो या फिर रेंट पेमेंट करते हो, एजुकेशनल रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हो या फिर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हो या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो, रियल इस्टेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हो, तो इन कैटेगरी पर अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर आप लोग को कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को 1% का फ्यूल सरचार्ज वीवर भी मिल जाता है। अगर आप लोग का इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्यूल पे ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 4000 रुपये पर मंथ रहता तो आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैक्सिमम एक महीने के अंदर फ्यूल पे मात्र 40 रुपये ही बचा सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो 1% के फ्यूल सरचार्ज के में मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड हैं वो एक महीने के अंदर मैक्सिमम जो बेनिफिट देते हैं वो 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये तक तो एटलीस्ट देते ही हैं। तो यहाँ पे जो 40 रुपये का दिया जा रहा है वो ऊँट के मुँह में जीरे की तरह दिया जा रहा है। फिर भी चलिए अभी इसके और भी बेनिफिट के बारे में आपको बताते हैं। तो इसके में आप लोग को इंश्योरेंस का भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड में लॉस्ट बैगेज के लिए, यानी कि कभी भी एयरपोर्ट पे आप लोग का जो बैग है वो खो जाता है तो वहाँ पे आप लोग को अप टू 1 लाख रुपीज का कवर मिलता है। इसके साथ ही अगर आप डिलेड बैगेज, यानी कि अगर आप लोग का बैग आप तक आने में डिले हो रहा है तो वहाँ पे आप लोग को 25,000 रुपीज तक का कवर, इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। इसके साथ ही लॉस ऑफ पासपोर्ट, यानी कि अगर आप लोग का पासपोर्ट कभी खो जाता है तो उसके लिए 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। इसके साथ ही टिकट अगर आप लोग का कभी खोता है तो उसके लिए 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर आपको मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप लोग की कभी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होती है तो उसके लिए भी 25,000 रुपये तक का आप लोग को इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। हालांकि आप लोग ये जो इंश्योरेंस कवर देख रहे हो इसको इतना आप लोग सोच रहे हो कि कभी हम अपना टिकट ही खोवा दें जानबूझ कर, तो उस स्थिति में हमें 25,000, 50,000 रुपये का या फिर
इस तरीके का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और बहुत ही अच्छे से वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि जानबूझकर आप अपना टिकट खोवा दो, पासपोर्ट खोवा दो, है ना। तो ये गलती मत करना, नहीं तो उस केस में हो सकता है आप फंस भी जाए, आपको उल्टा पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को जीरो लॉस कार्ड लाइबिलिटी की कवर मिल जाता है। इसके साथ ही EMI का भी बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ ही एयर एक्सीडेंटल कवर अप टू 25 लाख रुपीज तक का आप लोग को मिल जाता है। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को जो अदर सेल चलती है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट्स इसके साथ ही अप्लीकेशन है, उन पे भी सेल चलती रहती है रेगुलरली। तो वहाँ पे अगर आप ये इंडसइंड बैंक का भी पार्टनर होता है तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग कोई भी परचेजिंग करते हो तो उसका भी बेनिफिट, डिस्काउंट का बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आप लोग को इस क्रेडिट कार्ड के सभी फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड चार्जेस के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दे दिया। आई थिंक इतना डिटेल में कोई अदर पर्सन तो जानकारी नहीं देता होगा। तो इस बात पे एक वीडियो को एक लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो अब बारी है हमारे ओपिनियन की कि आपको यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, अभी मार्केट में इससे अच्छे क्रेडिट कार्ड UPI ट्रांजेक्शन के लिए आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ कीवी, एक्सिस बैंक कीवी क्रेडिट कार्ड, ठीक, वो भी बहुत ही अच्छा है। इससे आती कीवी ने अभी यस बैंक के साथ टाई अप करके एक और रुपए क्रेडिट कार्ड निकाला है, वो भी क्रेडिट कार्ड बहुत ही बेटर है और उसमें आप लोग को बेटर रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं। साथ ही रिवॉर्ड पॉइंट को रिडम्पशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इंडसइंड बैंक में आपको रिवॉर्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए चार्ज भी पे करना पड़ेगा, लेकिन कीवी का, चाहे एक्सिस क्रेडिट कार्ड हो या फिर कीवी का यस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, वहाँ पे आप लोग जो भी आपको कीवी पॉइंट मिलेंगे उनको आप लोग तुरंत के तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो अब रियल कैश में, और तुरंत कन्वर्ट करके आप लोग अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। इसके साथ ही टाटा HDFC बैंक का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट आप लोग को UPI ट्रांजेक्शन पे दे रहा है। लेकिन इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड की एक डीमेरिट ये है ना कि ये सिर्फ टाटा नियो का जो क्रेडिट कार्ड है वो टाटा नियो पे ही आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसके साथ जो कीवी क्रेडिट कार्ड है वो कीवी एप्लीकेशन पे ही आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन ये इंडसइंड बैंक के इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि इस क्रेडिट कार्ड को आप किसी भी UPI एप्लीकेशन, चाहे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, फ़ोनपे, कहीं पे, अमेजॉन पे, कहीं पे भी आप लिंक करके UPI ट्रांजेक्शन करोगे तो वहाँ पे आप लोग को 2 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आता है। तो अगर आप लोग को कोई अदर क्रेडिट कार्ड UPI ट्रांजेक्शन के लिए नहीं मिल रहा है तो फिर आप लोग ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। बुरा क्रेडिट कार्ड नहीं है, अब इसमें आप लोग को बेनिफिट अच्छे भी मिल जाते हैं। अब बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप लोग कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो। बाकी आप कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप लोग UPI ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा रुपये क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।